से प्रेम करना ये मोह ममता नहीं है, ये बड़ी उत्कट साधना है। राग देवहूति माता ने कहा है, एक बड़ी सुंदर, वही राग विष है, वही राग अमृत है। देवहूति माता ने एक ही श्लोक में बात कही है और हमने अनुभव किया, गलत जगह राग हो गया तो आध्यात्मिक मृत्यु हो गई, सही जगह राग हो गया। तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय में एक ही श्लोक में दोनों बातों को कहा गया है और दोनों बातों को वर्तमान काल में घटनाओं के क्रम में हमने देखा। संगो यह संसृतेर हेतुर 3:23:55 दोनों स्थितियों को हमने अनुभव किया। संगो यह संसृतेर हेतुर असत्सु वेतो धिया, असत पुरुष में संग मने राग यानी आसक्ति हो गई तो संसृति संसार के घोर चक्कर में चला जाता है, 84 लाख योनियों में और नीचे चला जाता है, संस्कृति की पराकाष्ठा पर आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। राग होने के बाद सब भूल जाता है, परमार्थ माता पिता गुरु गोविंद सत्संग, वही विषय वही विवाह वही सारी बातें। असत पुरुष में राग होने का भी उदाहरण देखा। संगु यह संसृतेर हेतुर असत्सु वेतो धिया सएव साधुषु कृतो, वही राग अगर भक्तों में हो गया निसंगत्वाय कल्पते, संसार से निसंगता ला देता है, आराधना ही जीवन में आ जाती है, आराधना के सिवाय कुछ नहीं रहता। किसी भक्त से राग होने का फल यही है। संगु यह संसृतेर हेतुर असत्सु वेतो धिया सय उस साधु शुक्रतो निसंगत्वाय कल्पते। योग सूत्र में भी इस बात को केवल भक्ति वालों ने नहीं, पतंजलि ने भी लिखा है, वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग पुरुष में अगर मन चला गया तो भी तुम्हारी सहज में ही संस्कृति का अंत हो जाता। और भगवान ने तो यहां तक कह दिया है 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में, मेरी पूजा मेरी भक्ति से मेरे भक्त की भक्ति बड़ी है, मद भक्त पूजा भेदिका। ये बात उन्होंने 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में, मद भक्त पूजा भेदिका, हमारी भक्ति से बहुत बड़ी है भक्त की भक्ति। भक्त होना चाहिए, लेकिन भक्त में जब राग होता है प्रेम होता है उसको संसारी राग नहीं कहा जाता। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।